Okay, so गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से बाकी लोग भी कनेक्ट हो जाओ, सबको बोलो तो हम लोग स्टार्ट करें ऐसे क्लास। एक बार कन्फर्म कर दो आवाज आ रही है, बाकी वीडियोज वगैरह सही आ रहे हैं, सभी कुछ कन्फर्म करो, सभी जल्दी से रिप्लाई करो। ठीक है, ओके। तो हम लोग जो है बात कर रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन, और उसका हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टार्ट किया था बेसिकली, और हमें बेसिकली प्रॉब्लम ही देखना है। थ्योरी तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, थ्योरी आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम बनाने में आपको दिक्कत होती है, और तो हम लोग प्रॉब्लम पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 1D प्रॉब्लम शुरू किया था, उसमें कुछ हमने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कर रहे थे, आज हम उसी में कंटिन्यू करते हैं और कुछ और नए प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग आज। और उसके बाद अगर टाइम बचा आज अगर, तो हम लोग फिर जो है 2D मोशन पे जाएंगे। हम लोग बात करेंगे कैसे 2D मोशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल गो विल डिस्कस की व्हाट टू डू इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे हैं आपको याद होगा, ये सारी चीजें किसके लिए हैं, जब बॉडी का एक्सेलरेशन क्या आपका है कांस्टेंट है ना, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक ना, ये तो मेरे पास क्या है, 3 फॉर्मूले हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। ये सारे फॉर्मूले आपको अप्लीकेबल है कब, जब आपके एक्सेलरेशन क्या होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट ना हो तो हमें फिर ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग वहां पे फिर इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन का जो मेथड हम हमें वो यूज करना होगा। ठीक ना, चलो तो देखो एक क्वेश्चन आपको मैं लिखता हूं यहाँ पे, जल्दी से आप आंसर बताना फटाफट, सभी लोग रेडी रहो आंसर बताने के लिए। देखो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एलिवेटर going up with an acceleration g/2। ठीक है, g/2। तो आपको बताना है कि what is the acceleration of the stone जस्ट आफ्टर रिलीज, यहाँ पे एस होगा, कहाँ पे रिलीज। ठीक ना, चलो RELEA ऐसा आपका स्पेलिंग होगा। चलो बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और फटाफट रिप्लाई करो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। A stone is released from an elevator going up with an acceleration g/2. What is the acceleration of the stone just after release? Anyone? फटाफट रिप्लाई करो, तो हम लोग फिर दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। SC वर्मा जो बुक है उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलो अभी तक रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई?
ठीक है, फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं, लगता नहीं बन पा रहा है। देखो, क्या आपका है, समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को, है ना। बोलता है ए स्टोन इज रिलीज, इस बीच अगर किसी को आंसर आ जाए तो आप रिप्लाई कर देना, मैं इधर देख लूंगा। और बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एन एलिवेटर, तो एलिवेटर हो सकता है या फिर यहीं पे आपका बैलून लिख देता, आप कहाँ पे बैलून है ना, कि आपका जो बैलून है ऊपर जा रहा है और उस बैलून से क्या आपने क्या किया है, पत्थर को आपने ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन जी बाय टू, यानी कि आपका एक एलिवेटर आप कहाँ पे हो गया, ठीक ना। मान लो यहाँ पे आपका ऐसे एक स्टोन आपके यहाँ रखा हुआ है, एलिवेटर कैसे जा रहा है ऊपर, आप कहाँ पे है, ये कितना से जा रहा है आप कहाँ पे, तो जी बाय टू असलेट कर रहा है आप कहाँ पे, ए इसका दिया हुआ है, ये आपका क्या है स्टोन यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या कर इसको ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप कर दिया मतलब क्या हो गया, तो आपका स्टोन अब यहाँ से एलिवेटर से अलग हो गया, आप कहाँ पे ड्रॉप कर दिया, आप यहाँ पे ड्रॉप्ड स्टोन, अभी भी आपका जो एलिवेटर है अभी भी क्या पे है, जी बाय टू से ऊपर जा रहा है, ये कैसे होगा आपको बताना है, ड्रॉप कर दिया आपने स्टोन को, उसका असलेशन क्या होगा आपको बताना है। सो व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ द स्टोन जस्ट आफ्टर रिलीज, ठीक ना, जस्ट आफ्टर रिलीज। देखो अभी तक शायद आंसर नहीं आया किसी का। देखो अभी क्या था, स्टोन आपका एलिवेटर के अंदर है, कोई पकड़ के रखा है सपोज, या फिर इसके फ्लोर पे रखा हुआ है सपोज, और कहीं से आपने इसको ड्रॉप कर दिया, अभी अलग हो चुका है एलिवेटर से, एलिवेटर अपना अपने स्पीड में, अपना जो सिलेक्शन उसी स्पीड में क्या है आपका आगे वो मूव कर रहा है। तो ध्यान देना कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज डिसाइडेड बाय द फोर्स कि सिस्टम पे या बॉडी पे, उस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त जो फोर्स लग रहा होगा, दैट फोर्स डिसाइड्स द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या बॉडी या सिस्टम, जो भी आप बोलो, ठीक है। फोर्स देखो, जब ये स्टोन जो था आपका एलिवेटर के अंदर था, फ्लोर पे रखा हुआ था, या कोई पकड़ा हुआ था हाथ में, तो जब वो पकड़ा हुआ था चाहे फ्लोर पे रखा हुआ था, तो ये फ्लोर क्या कर रहा था, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, एमजी तो लग ही रहा है आपका यहाँ पे, इसमें एमजी भी फोर्स लग रहा है यहाँ पे आपका, एमजी एक फोर्स जो है ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, ये जो फ्लोर है वो भी क्या करेगा वहां पे, एक रिएक्शन फोर्स देगा, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, नॉर्मल रिएक्शन। एक आंसर है जी बाय फोर लिख रहे हैं, नहीं गलत आंसर आपका यहाँ पे है इतना, ठीक है। तो इस स्टोन पे दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक एम जी दूसरा एन, और ये दोनों मिला करके इसमें कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जी बाय टू है ना, क्योंकि आपका ये एलिवेटर के अंदर है, तो अभी इस एलिवेटर का जो असेशन आपका कितना है, जी बाय टू है, तो स्टोन का भी जो असेशन कितना आपका होगा, जी बाय टू ही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका जो स्टोन का है वो कितना आपका हो गया, जी बाय टू हो गया असेशन, सेम एज एलिवेटर, क्योंकि एलिवेटर के अंदर रखा हुआ है, इसमें ये और ये फोर्स लग रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको ड्रॉप कर दिया, अब ये क्या हो गया, एलिवेटर से अलग हो गया, डिटैच हो गया। तो जब एलिवेटर से डिटैच हो गया, तो अब इसके ऊपर तो ये जो एन फोर्स लगा था, अब वो फोर्स लग रहा है क्या, अब ये फोर्स नहीं लग रहा है, ये एन फोर्स कब तक लग रहा था, जब तक ये एलिवेटर के फ्लोर पर रखा हुआ था, जैसे उसे डिचार्ज हो गया, चाहे आपने हाथ से इसको थ्रो कर दिया, फेंक दिया, और उसके ऊपर वो फोर्स खत्म हो गया, तो जैसे इसको आपने ड्रॉप कर दिया, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स बच गया, वो क्या फोर्स बच गया, वहां पे एमजी फोर्स बच गया, एमजी फोर्स बच गया, ठीक है, बाकी फोर्स खत्म हो गया। तो जब एमजी फोर्स बच गया, तो मैंने बोला आपका कि जो आपका सिलेक्शन होता है वो फोर्स से डिसाइड होता है, जिस वक्त हम बोल रहे हैं, जिस हमको निकालना है, जिस वक्त हमको पता करना है, उस वक्त उस बॉडी पे क्या फोर्स लग रहा था, वही आपको बताया कि सेशन कितना होगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ एमजी लग रहा है, तो इसका सेशन पावर कितना आपका होगा, तब जी हो जाएगा कहाँ पे, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन जो आपका हो गया जस्ट आफ्टर ड्रॉप, जो आपका हो जाएगा जस्ट आफ्टर ड्रॉप जो हो गया कितना हो गया, जी, क्योंकि
क्योंकि जब एम जी फोर्स लगता है सिर्फ, तो उसकी वजह से क्या आपका होता है, आपका एक्सेलरेशन कितना होता है, जी होता है, एम जी बाय एम करोगे तो जी आपका बचेगा यहाँ पे। तो ड्रॉप करने के साथ ही उसका एक्सेलरेशन जी बाय टू नहीं रहा आपका, अब कितना हो गया जी, क्योंकि उसके बाद फोर्स बदल चुका है, उसके बाद फोर्स सिर्फ और सिर्फ एम जी बच गया उसके बाद फोर्स, ठीक है ये। तो इसका आंसर जी होगा आपका, इसका आंसर हो गया जी। कुछ पूछना है तो देख लो, कुछ पूछना है किसी को, जी होगा, ठीक है। चलो अब इसी में एक क्वेश्चन और मैं इसमें ऐड कर देता हूं इसी सेम क्वेश्चन में, ठीक है। व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टोन जस्ट आफ्टर ड्रॉप, ठीक है, कि जैसे आपने इसको ड्रॉप किया इसका जो मोशन होगा वो किधर होगा। दो ऑप्शन के पास है, एक ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, पहला ऑप्शन हो गया, या फिर जैसे आपने ड्रॉप किया सीधा कर नीचे आ जाएगा, तो फर्स्ट या सेकेंड आप ये रिप्लाई करो। पहला ऑप्शन क्या था आपके पास कि पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और दूसरा ऑप्शन क्या आपका है जैसे आपने ड्रॉप किया सीधे क्या हो गया नीचे आ जाएगा आपका, फर्स्ट या सेकेंड, ऐसा आप आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा इसमें। ड्रॉप करोगे तो स्टोन के साथ क्या होगा, पहले वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, या सीधे सीधे नीचे आ जाएगा आपने ड्रॉप कर दिया है। प्रकाश स्वर्ण बतला है सेकेंड आंसर बतला है, मतलब सीधे नीचे आ जाएगा ये बोल रहे हैं। और बताइए कोई और, कोई और बतलाओ, सेकेंड गौतम कुमार बता रहे सेकेंड। अच्छा बलवंत बतला रहे फर्स्ट, अच्छा और कोई, आकाश बतला रहे फर्स्ट, सेकेंड लोकनाथ, ठीक है। तो दो आदमी का आंसर आया है फर्स्ट, फर्स्ट मतलब कि पहले ये ऊपर जाएगा एंड देन नीचे आपका आएगा, ठीक है। माही राजपूत बतला रहे फर्स्ट, अच्छा ठीक, तो फर्स्ट आंसर का सही है, जिन्होंने फर्स्ट बोला है बहुत अच्छी बात है, आप समझ पा रहे चीजों को, है ना। क्या होगा देखो कि जब आपका एलिवेटर जो है एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो स्पीड है एलिवेटर का स्पीड क्या है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। कुछ मान लो स्पीड आपका होगा भी, आपका स्पीड हो गया जिस पर आप इसको ड्रॉप कर रहे थे, ठीक ना। तो आपने जब इसको ड्रॉप किया इसका मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर आपने कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ फोर्स नहीं लगाया, मतलब सीधे से आपने छोड़ दिया, बस रिलीज कर दिया आपने यहाँ पे। एक होता कि आप इसको फेंक दिए, ऐसे नीचे फेंक दिया तो नीचे चला जाएगा, या ऊपर फेंक दिया तो और ऊपर चला जाएगा, आपका ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी आपने नहीं किया, बस आप इसको पकड़ा था ऐसे छोड़ दिया आपने बस, ठीक है। या फिर मान लो कि ये जो फ्लोर है उसमें आपका छेद था वो नीचे आ गया आपका, है ना, ये आपका हो गया। तो जस्ट ड्रॉप करने से पहले इस एलिवेटर का स्पीड कितना था, भी था, तो इस एलिवेटर में जितनी भी चीजें होंगी जो इसके अटैच्ड होंगे उन सब का स्पीड भी क्या होगा, भी होगा, वो सब क्या है, भी स्पीड से जा रहे हैं ऊपर। तो जैसे आपने इसमें जैसे आपने इसको ड्रॉप किया, बिकॉज ऑफ द इनर्सिया ये अपने स्पीड को क्या करेगा, मेंटेन रखना चाहेगा, बिकॉज ऑफ द इनर्सिया ये अपने स्पीड को क्या करना चाहेगा, मेंटेन रखना चाहेगा, यानी इसका स्पीड जो होगा ये कितना आपका होगा, भी होगा वहां पे जिस तरफ ड्रॉप करोगे कितना होगा, तो जितना इस एलिवेटर का स्पीड था ड्रॉप करने के समय में, ठीक है। तो भी इसका स्पीड क्या होगा, ऊपर की तरफ का होगा, क्योंकि एलिवेटर आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, है ना। तो ड्रॉप करने के बाद क्या आपका होगा, किसका स्पीड हो गया, भी ऊपर की तरफ हो गया आपका, इसका जो एक्सेलरेशन हो गया कितना हो गया, नीचे हो गया जी, तब ये रिटार्ड करेगा, ये ऊपर जा रहा है जी नीचे हो गया, इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन आपका होगा, इसका स्पीड धीरे धीरे घटेगा घटेगा घटते 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 यहां तक जाएगा, इसका स्पीड कितना आपका जीरो हो जाएगा,
और फिर यहाँ के बाद फिर से क्या होगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी अब ये फिर आपका नीचे आपका आएगा, फिर से आपका नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो फिर नीचे आपका इसका स्पीड बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा वहां पे, है ना। तो ड्रॉप करने के बाद ये पहले ऊपर जाएगा, फिर इसका स्पीड जीरो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा नीचे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पहला पंप, तो आपका ये इस जो आपका स्टोन है इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा आफ्टर ड्रॉप करने के बाद, वो सीधे नीचे नहीं आएगा, है ना, वो सीधे नीचे नहीं आएगा। हाँ ध्यान देना कि इसमें हमने ये नहीं किया है कि हमने इसको फेंक दिया नीचे, एकदम ऐसे फेंक दिया फोर्स लगा के, ऐसा हमने नहीं किया है इसमें, है ना, इसको हम जैसे ड्रॉप कर, ध्यान रखना। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया ये बात। तो अगर आप ये बात समझ गए तो एक दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से आपका है, उसको आप बनाएंगे। देखो क्वेश्चन लिखता है आपका कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, सिमिलर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 meters per second, ठीक है। इफ द बैलून वाज एट हाइट 50 meters व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड, when the stone was dropped, find its height, when the stone hits, the ground. आपको g का वैल्यू इसमें 10 लेने बोला है, 10 meters per second square, ठीक है। चलो ये आपका क्वेश्चन हो गया, अब आप क्वेश्चन पढ़ो और देखो क्या बन सकता है क्या। एक बार देखिए क्वेश्चन बनेगा क्या। क्वेश्चन को पहले नोट कर लो अपने नोटबुक में, ये इसके बाद का क्वेश्चन आपका है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप with a uniform velocity of 5 meters per second. Now this time your balloon is going with uniform velocity. The uniform velocity means there is no acceleration, or no acceleration means no force. या फिर net force कितना का हो गया, zero हो गया, ठीक है। अगर system accelerate नहीं कर रहा है, uniform velocity से move कर रहा है, means उस system पे या तो कोई force नहीं लग रहा है, या force लग भी रहे होंगे तो net force कितना का हो गया, zero हो गया, ठीक ना। ये बात याद रखना कॉन्सेप्ट। चलो तो हम लोग क्या किए, एक मेरा मान लो आपका ये बैलून आपका यहाँ पे है, ये ऊपर की तरफ आपका जा रहा है 5 meters per second से, यहां से हमने क्या किया एक बॉल को हमने इसमें ड्रॉप कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एक बॉल था आपका, ये स्टोन था आपका, ये था आपका यहाँ पे, हमने इसको ड्रॉप कर दिया स्टोन को, हमने इसको ड्रॉप कर दिया स्टोन को यहाँ पे, ठीक है। तो बताना है आपको यहाँ पे If the balloon was at height 50 meter when the stone was dropped, तो देखो ये मेरा मान लो ग्राउंड हो गया आपका यहाँ पे, ये मेरा क्या हो गया ग्राउंड हो गया। तो जिस वक्त आप स्टोन को ड्रॉ करें उस वक्त ये आपका जो बैलून था वो 50 मीटर की ऊंचाई पे था और ऊपर की तरफ जा रहा था आपका यहाँ पे, ये ऊपर जा रहा था 5 meters per second ऊपर जा रहा था आपका ये,
ठीक है, आकाश बता है 75 मीटर। अच्छा चलो देखते हैं। वेन द स्टोन वॉज ड्रॉप फाइंड इट्स हाइट, तो किसका हाइट बताना आपको, वहां पे देखो ध्यान देना, फाइंड इट्स हाइट मीन्स हम लोग बलून के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बलून का हाइट बताना है। वेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, वेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, तो जब ये स्टोन आपका ग्राउंड पे आपका आ जाएगा, तब तक ये जो बलून आपका यहाँ पे है वो कितना ऊपर चला जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन समझ गए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हमको पहले ये समझना है। देखो मैकेनिक्स में मैं पहले से बोलता आ रहा हूं कि एक बार आप चीजों को रियलाइज करना शुरू कर गए, इमेजिन करना शुरू कर गए कि हम जब हम आप इमेजिन की जगह बैलून बैठे हुए हैं, फिर आपका स्टोन आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, बैलून कैसे जाएगा, आपका स्टोन कैसे जाएगा, अगर ये सब सारी बात आप इमेजिन करने सक रहे हैं तो आपके क्वेश्चन क्या होते हैं आसानी से बन जाते हैं, है ना। मैकेनिक्स आपको इसलिए आपका डिफिकल्ट लगता है कि हम इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं कि बैलून कैसे जा रहा है, स्टोन कैसे हो रहा होगा, फोर्स कहाँ से लग रहा है, हम इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं, हम बस फॉर्मूला ढूंढते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना, हम फिर समझ नहीं पाते चीजों को कि कैसे बनाना है आपका। तो वंस यू स्टार्ट इमेजिन, है ना, आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, आपसे मैकेनिक्स के प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसे देखो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, मैं उसके अनुसार फिगर बनाता हूँ, एंड देन मैं ये जो हमने फिगर बनाया अब अगला स्टेप क्या होगा मैं उस पर फोकस करता हूँ। ठीक है, कि ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, स्टोन किधर जाएगा, बलून किधर जाएगा, हम इस सारी बातों को रिसर्च करेंगे, और एक बार हम जब रिसर्च कर लिए इसको तो ऑटोमेटिक मेरे पास क्या होता है, आंसर आ जाता है, मुझे फॉर्मूला भी दिखाई देता है और मेरा आंसर भी आसानी से आ जाता है। तो स्टेप समझना है आपको यहाँ पे, है ना, कि ड्रॉप करेंगे तो कैसे होगा, ड्रॉप करने से पहले क्या हो रहा था होगा, इमेजिन। तो यही बात अगर आप अपने अंदर ले आते हैं तो आपसे सारे प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएंगे आपसे, और यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी इस तरीके से सोचना शुरू करें आप। ठीक है, चलो तो देखो हम लोग पहले पूरा प्रोसेस समझते हैं कि ये हो कैसे, क्या रहा होगा यहाँ पे, क्या होगा आगे, ये हम लोग पूरा समझते हैं। तो जब तक स्टोन जो था बैलून के अंदर था, आपका बैलून क्या था, आपका 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, तो स्टोन भी उसके साथ क्या आपका होगा, उतना ही मीटर पर सेकंड से ऊपर मूव कर रहा होगा, क्योंकि वो उसके बैलून में रखा होगा आपका यहाँ पे, है। ठीक है, तो बैलून पे जो भी फोर्सेस लगे रहे होंगे वो सब मिलके स्टोन को भी मूव करा रहे हैं, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, है ना, कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे ही स्टोन को आपने ड्रॉप कर दिया, बैलून से आपने हटा दिया, तो अब बैलून पे जो फोर्स लग रहे थे अब वो खत्म हो गया, है ना, स्टोन पे जो फोर्स लग रहे थे, स्टोन पे जो फोर्स लग रहे थे जब वो बैलून के अंदर था, अब वो सारे फोर्स क्या हो गए, खत्म हो गए। अब स्टोन पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, वहां पे ग्रेविटी फोर्स बच गया आपका, जैसे आपने ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स बच गया, मतलब जैसे आपने इसको ड्रॉप किया इसका जो एक्सेलरेशन हो गया कितना आपका हो गया, जी हो गया, किधर हो गया, नीचे की तरफ। ये तो हमको समझ में आ गया कि जैसे ही स्टोन जो आपका है वो बैलून से डिटैच हुआ, उसका जो एक्सेलरेशन हो गया कितना हो गया, जी हो गया, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स कितना हो गया, सिर्फ एम जी बच गया। जब इसके अंदर था तो और भी फोर्सेस लग रहे होंगे, हमें नहीं पता क्या क्या फोर्स लग रहे थे, लग के उसको 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर ले जा रहे थे ये। ठीक है, ये पहली बात तो ये हो गई एक्सेलरेशन के बारे में। दूसरा से स्पीड के बारे में, कि जैसे हम इसको ड्रॉप करेंगे ये सीधे नीचे नहीं आएगा आपका, अभी जैसे इसलिए मैंने आपको इससे पहले बताया आपको ये क्वेश्चन, है ना, जैसे इसका आप ड्रॉप करोगे इसका स्पीड कितना पर रहेगा, 5 मीटर पर सेकंड रहेगा इसका स्पीड। ठीक ना, 5 मीटर पर सेकंड किधर, ऊपर की तरफ, ये तो अपना चलते जा रहा 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन इसका क्या होगा, जैसे ड्रॉप किए 5 मीटर पर सेकंड था, ये क्या हो गया, रिटार्ड करना शुरू कर गया, तो इसका स्पीड क्या होगा, जैसे घटेगा घटेगा घटते 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 यहां तक जाएगा, मान लो यहां तक गया, फिर भी कितना हो गया, 0 हो गया, है ना, यहां तक गया फिर भी कितना हो गया, 0 हो गया, फिर क्या होगा सबका, रिटर्न आपका हो गया, ऐसा क्या होगा, कहाँ पे रिटर्न करेगा, कहाँ पे, वहां तक गया फिर रिटर्न करेगा कहाँ पे, और जब रिटर्न करेगा तो फिर धीरे धीरे करते करते नीचे आपका सीधा आपका आ जाएगा, आपका यहाँ पे आके टकरा गया कहाँ पे, स्ट्राइक कर गया कहाँ पे, स्ट्राइक कर गया, तो बैलून आपका रिटार्ड हो रहा है, स्पीड घटते 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 यहां तक पहुंचा, फिर
फिर यहाँ के बाद फिर क्या होगा, वो नीचे आएगा और जब नीचे आएगा तो सीधा आपको ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक कर जाएगा आपका ये, ठीक है। तब तक बैलून क्या आपका है, बैलून अपना 5 मीटर पर सेकंड से मूव करते ही जा रहा है, उसमें कोई रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बैलून जब का है वो कुछ यहां तक मान लो चला गया आपका, यहाँ पे जब वो स्ट्राइक करेगा तब आपका ये यहां तक पहुंच गया, आपका बैलून आपका वहां तक पहुंच गया है ऊपर तक, ठीक ना। तो मुझे यही बताना है कि फाइंड इट्स हाइट व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, जब स्टोन जब का वो ग्राउंड को हिट करता है तो तब तक बैलून कितना ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने उसका फिगर बनाया और हमने उसको डिस्कस भी कर लिया कि क्या क्या चीजें हो रही होंगी यहाँ पे, कैसे कैसे होगा आपका ये प्रोसेस, हमने पूरा ये डिस्कस कर लिया, हमने इमेजिन कर लिया, ठीक ना। और एक बार हम जब इमेजिन कर लिए अब ये मुझको बनाना क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकेंड से यूनिफॉर्म ऊपर जा रहा है, इसका असर कितना आपका है, जीरो है। तो मान लो कि इस बॉल को यानी इस स्टोन को यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आया तो पूरा कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा मान लो, ठीक है। लेट जो आपका टाइम लग गया क्या हो गया आप कहां पे, टी टाइम लग गया, टाइम जो आपका हो गया टी लग गया आप कहां पे, कहां से कहां जाने में आपका, यहां से इसे आपने ड्रॉप किया है तो यहां से ऊपर गया फिर वहां से ऊपर नीचे आने में टी टाइम लग गया। तो टी टाइम में ये कितना चला गया होगा आप कहां पे, तो 5 into t चला गया होगा, s इक्वल कितना होता है ut plus half at square, तो जो कि a इसका 0 है तो सिंपली कितना हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया आपका, s इक्वल टू ut 5 into t, ठीक है, इतना ऊपर चला गया। तो अगर मैं ये t निकाल दूं यहां से कि इस बॉल को ऊपर जाने में फिर वहां से आने में कितना समय लग गया, t मिल जाएगा मुझे, मुझे क्या मिल जाएगा, ये हाइट मिल जाएगा मुझे, समझ आ रही है बात, ठीक है। अगर मुझे टी मिल जाएगा मुझे क्या मिल जाएगा, ये हाइट मिल जाएगा, ठीक है। टी कैसे निकालूं, तो फॉर स्टोन के लिए देखो हम लोग ऐसा काम किए थे कि हम जो एस लिखते हैं फॉर्मूला में, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का जो लिखते हैं उसमें एस क्या होता है आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो, कि उस टी टाइम में उस बॉडी ने उस सिस्टम ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। हम लोग जब इसकी बात करेंगे, यहां गया फिर यहां से ऊपर नीचे आपका आया तो उस टी टाइम में ये स्टोन कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो सिर्फ इतना हुआ है, यहां से यहां तक हुआ आपका, पहले यहां पे था अभी यहां पे आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोलेंगे तो वहां से वहां फिर यहां से आपका करना पड़ेगा, बट हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो टी टाइम में ये जो आपका स्टोन हैज डिस्प्लेस्ड दिस मच ओनली, ठीक है। हमने पहले एक प्रॉब्लम से बनाया भी था आपका, तो देखो जो आपका स्टोन का जो इनिशियल स्पीड है कितना आपका है, 5 मीटर पर सेकेंड है ना, इसका असम्पशन कितना आपका है, माइनस जी। मैंने आपको बोला था कि हम जो साइन चूज करते हैं वो साइन हम लोग इनिशियल स्टेट पे जैसा होता है उसके अनुसार हम चूज करते हैं। तो यहाँ पे यू आपका ऊपर था, ये आपका नीचे आपका है माइनस, ठीक है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है, तो यहां से यहां तक है यानी कितना है? दिया आपको यहां पे कितना दिया है 50, तो हम लिखेंगे माइनस 50 मीटर। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे आपका आया हुआ है, ऊपर मेरा पॉजिटिव है नीचे मेरा नेगेटिव है, ठीक है। ये हो गया और टाइम तो कितना हो गया, टी वही आपका हो गया। हम लोग क्या करें देखो, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम इसको यूज करें और इसको आप सॉल्व करो, देखो टी निकलेगा और जो टी निकलेगा उसको आप यहां पुट कर दो आपका एस निकल जाएगा आपका ये, ठीक है। देखो सॉल्व कर दो फटाफट कितना आता है बताओ, टी का वैल्यू कितना आ रहा है। तो देखो एक बार हम लोग प्रोसेस समझ गए, तो देखो हमने सिर्फ अभी एक ही स्टेप लिखा है हमने यहाँ पे, सिर्फ एस इक्वल टू यू प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बाकी सब फिगर है आपका यहाँ पे। तो एस कितना हो गया, तो माइनस 50, यू कितना हो गया 5 और टी तो टी हो गया, फिर हाफ और जी 10 लेना है मुझे,
और ये कितना हो गया टी स्क्वायर। तो देखो क्या क्या कुछ कुछ कटेगा क्या, तो ये हो जाएगा 2 5, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और इसका भी 5 हो गया, -10 हो गया टी माइनस टी स्क्वायर, है ना। 5 से कटेगा, देख लेना गलती ना हो जाए, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टेन इक्वल टू क्या हो गया 0। ये फैक्टराइज होगा, जल्दी से बताओ फैक्टराइज होगा क्या, टी कितना आएगा यहाँ से आपका 10 आना चाहिए ना, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और ऐड करने पे 1 आना चाहिए आपका, -1 कितना कितना होगा देखो, ये पूरा पूरा फैक्टराइज तो नहीं होगा आपका, है ना, फैक्टराइज हो रहा है क्या बताओ। -10 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, दो नंबर आपको ढूंढना है -10 और एक आपका -1, तो ऐसा तो आएगा नहीं, 5 2 10 होता है तो 3 हो गया, और तो कुछ है नहीं कहाँ पे। तो देखो ये फैक्टराइज जब नहीं हो रहा है, इसका टी आप ऐसा लिखो, क्या फॉर्मूला होता है, -b फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ये आपका 1 है और c कितना हो गया -10 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो हो गया 40 और हो जाएगा 41/2। तो देखो 41 का जो रूट है वो 1 से बड़ा आएगा, इसीलिए अगर मैं इसमें माइनस लेता हूँ तो 1 माइनस 1 से बड़ा क्वांटिटी, तो टी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो टी टाइम आपका नेगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको 41 प्लस में लेंगे आप हम लोग। तो देखो इसमें जो आपका है ना टाइम जो दिया हुआ है इसमें आपका कितना आएगा, 41 का रूट कितना निकलेगा बताओ, 6 point something निकलेगा है ना, तो 6 point something होगा और 6 और +1 7/2 आपका जो टाइम हो जाएगा 7/2 तो हो जाएगा 3.5। तो ये 3.7 लिखा था वहां पे आंसर में इसका, तो 3.7 क्या सोच रहा, ठीक है ना, इसका 6 हो गया रूट, 6 + 1 हो गया 7, 7/2 आपका लगा हो गया 3.5, थोड़ा सा बड़ा ही होगा आपका, 3.7 क्या सोच हो गया ये, तो टाइम जो लगा उसको पूरा 3.7 लगा, और तब देयरफॉर आपका जो हाइट हो गया वो 5 × 3.7 कर लोगे तो 5 × 7 = 35 में 5 हो गया और 18.5 मीटर हो गया। तो टोटल हाइट जो आपका हो गया, टोटल हाइट जो आपका हो गया ये आपका हो गया 50 + 18.5 ये आपका मीटर आपका हो गया, क्लियर। कुछ पूछना है तो देख लो, सूरज साहब क्या बोल रहे हैं सर, 1/2 के पहले प्लस होगा फॉर्मूला से, यहाँ पे आपका 1/2 है तो आपका एक्सेलरेशन कितना आपका यहाँ पे माइनस में है ना आपका एक्सेलरेशन, तो प्लस कैसे हो जाएगा, माइनस होगा ना आपका यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जी कितना आपका है -10 है, नीचे की तरफ का है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आपको कुछ अगर पूछना हो तो एक बार देख लो, और नहीं तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और उसके बाद 2D मोशन के प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, तो आज तो नहीं हो पाएगा, तो कल हम लोग 2D मोशन जो है उसके प्रॉब्लम्स करेंगे, और साथ में हम लोग करेंगे जब आपका असिस्टेंट क्वेश्चन नहीं रहेगा तब, है ना, जब ये आपका वेरिएबल है तब आप कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। चलो ठीक है, आई थिंक कि कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो जल्दी से मैसेज करो, देख रहा हूं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ऐसा देखो, ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, देखो मैं फटाफट क्वेश्चन लिखता हूं, ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूव्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी वन फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी टू फॉर द नेक्स्ट इक्वल, नेक्स्ट इक्वल टाइम। ठीक है, तो बताना है दी एवरेज वेलोसिटी जो आपका हो गया कितना होगा। चलो जल्दी से बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, देखो आपको ऑप्शन दिया है, भी एवरेज हो जाएगा भी वन भी टू, एक हो गया आपका भी वन प्लस भी टू बाय टू, फिर एक ऑप्शन हो गया टू बाय भी इक्वल टू वन बाय भी वन प्लस वन बाय भी टू, और एक आपका ऑप्शन हो गया वन बाय भी इक्वल टू वन बाय भी वन एंड वन बाय भी टू। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। तो प्रकाश सोरेन बोल रहे हैं क्या कि सर जब रिटार्डेशन हो रहा है तो भी 5 ही क्यों हुए, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, ये वाला बोल रहे हैं ना। तो देखो जब आपने ड्रॉप किया, हम लोग उस वक्त की बात कर रहे हैं, तो आप जब इसको पकड़ के जा रहे थे तो आप जितना स्पीड से जा रहे हैं उतना ही स्पीड से ये भी जाएगा, ठीक है, पेन भी। और जब मैं इस पेन को ड्रॉप कर दूंगा तो जस्ट जब ड्रॉप करूंगा उसी वक्त इसकी स्पीड कितनी रहेगी, तो जितनी मेरी थी, मतलब मेरी अगर 5 थी तो इसकी भी कितनी होगी, 5 होगी। और ड्रॉप करने के तुरंत बाद जो है अब ये क्या होना शुरू हो गया, रिटार्ड होना शुरू हो गया, तो अब इसका स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा अब यहाँ पे, है ना। लेकिन जैसे आप जब जब आप ड्रॉप करोगे उसी वक्त जस्ट उसका 5 होगा, और उसके तुरंत बाद क्या होगा, उसका स्पीड घटना शुरू हो जाएगा, रिटार्डेशन, है ना। तीमरा क्या हो गया, इनिशियल हो गया स्पीड, और घटते 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 यहाँ पे क्या हो गया, इसका 0 हो गया, फाइनल आपका 0 हो गया। फिर वहां पे रुकेगा तो नहीं, यहाँ पे रुकेगा नहीं आपका, फिर वापस आएगा नीचे, आपका नीचे आपका आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ आके टकरा गया, ठीक ना ये। प्रकाश सोरेन सुन में आ गया, आपका डाउट क्लियर हो गया, बताओ। प्रकाश सोरेन जल्दी रिप्लाई करो। हाँ ठीक है, अच्छा इसका आंसर बता रहे हैं, कुछ आंसर आ गया है। देखो लोकनाथ बतला रहे हैं बी नंबर, गौतम बतला रहे हैं बी नंबर, और लोग बताइए बी मतलब इतना हो गया। ठीक है, बी नंबर एवरेज वेलोसिटी बतलाना है मुझे। क्या बोलता है, ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी वन फॉर सम टाइम। ठीक है, तो मान लो आपका ये स्ट्रेट पाथ हो गया, यहां से इसने स्टार्ट किया है ए से, वी वन स्पीड से वो जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब असल कितना आपका है, 0 है। मान लो ये टी टाइम तक गया, यहाँ पे बी तक पहुंच गया आपका, ठीक है, एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी टू फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। अब इतना के बाद अब इसका स्पीड कितना हो गया, अब ये वी टू हो गया, है ना, इसके बाद कितना हो गया, वी टू हो गया,
सेम टाइम लगाया इसने, मान लो कहाँ पहुंच गया, सी पे पहुंच गया आपका ये। तो शुरुआत में टी टाइम के लिए वी वन स्पीड से जा रहा था, वी वन वेलोसिटी से, और नेक्स्ट टी टाइम के लिए फिर से आपका ये वी टू वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक ना। ये आपका हो गया। क्या बताना है मुझे, एवरेज वेलोसिटी बतलाना है मुझे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आपका होता है, होता कहाँ पे, नेट डिस्प्लेसमेंट। ये आपका हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल टाइम कितना हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब हमने इसका पिक्चर बना लिया है यहाँ पे, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि दिस मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, सो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑल्सो, आपका ये बॉडीज, आपका जो पर्सन है, इज नॉट चेंजिंग इज डायरेक्शन, ही इज गोइंग स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो उस केस में इसका जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो सेम ये हो गया, मान लो आपका ये S1 डिस्टेंस कवर किया, टाइम देखो सेम लगा है लेकिन स्पीड आपका अलग अलग है, इसलिए ऑब्वियस ही बात है कि जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दोनों क्या होगा, होगा अलग अलग होगा आपका, ठीक ना। S1 S2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, मैं यहाँ पे लिखूं S1 प्लस S2, और ये जो टोटल टाइम हो गया, टी यहां लगा, टी यहां लगा, कितना हो गया, 2T हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, 2T, ठीक ना। ये आपका हो गया टोटल टाइम 2T। हमें क्या निकालना है, इसको निकालना है, तो आसान है आपका, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एस इज इक्वल क्या फॉर्म होता है, एस इज इक्वल टू UT प्लस ½ AT2, तो और आपका टर्म 0 हो जाएगा। ये कितना आपका हो गया, तो हो गया V1T, ये हो गया आपका V2T, हो गया 2T, ये कितना आ गया, V1 प्लस V2 / 2 आपका आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है बी नंबर, चलो बहुत अच्छी बात है, आप बना पा रहे हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बनाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होगा, आप जो है थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कर देंगे, हाँ आप मेरे से बन रहा है, और जब ऐसा होने लगेगा तो आप बाकी जो क्वेश्चंस हैं बड़े वाले उसको भी बना पाएंगे, है ना। पहले अपने ऊपर भरोसा आना होता है, यानी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना होता है कि मैं कर सकता हूँ, समझे। चलो गुड। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, उसमें फिर आज का क्लास एंड करेंगे हम लोग। एक मिनट, कुछ पूछना था तो देख लो, एक क्वेश्चन था मैंने मार्क किया था उसको, तो आप अभी फिलहाल जो है अगर बहुत बेसिक्स में दिक्कत है आपको, तो आप SI का बुक रखें और उसको आप सॉल्व करें, उसको ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 वगैरह सब सॉल्व करें, और जो भी डाउट हो तो आप जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप डाउट पूछ सकते हैं अपना, ठीक है। हाँ देखो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन हम ले देता है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, चलो मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, ठीक है, सेम आपका है। उसके बाद इट्स वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 इज V1, तो इट्स वेलोसिटी जो है एट टी इज इक्वल टू 0 इज V1, एंड एट टी इज इक्वल टू टी इज V2, एंड एट टी इज इक्वल टू टी इज V2, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम टी, जो आपका टाइम इंटरवल टी है उसमें का क्या बताना है आपको, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बताना है।
बताओ जल्दी से, बनाइए। सेम हमने फावड़ा लिख दिया है। नीचे बनाया तो बताओ, प्रवीण पांडे क्या कर रहे हैं? सर आप भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर एससी वर्मा बुक सॉल्व करवा दो। अच्छा, तो भाई मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाए। 1.5-2 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, है ना? इसलिए मैं गरीब आदमी हूँ, तो इस तरीके से मैं सिंपल आपको बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, समझे? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो आपका है, इंटरैक्टिव बोर्ड बोलते हैं, चाहे पैनल बोला जाता है उसको, उसकी प्राइस महंगी है। कभी भविष्य में अमीर बनेंगे तो उसको खरीदेंगे, समझ गए प्रवीण बाबू? चलो इसको एक क्लास बनाओ जल्दी से, फिर हम लोग आज से क्लास एंड करेंगे। हाँ, एसी वर्मा के बुक्स में ऐसे लिख लिख के आपको जो है प्रॉब्लम्स में कराऊंगा, इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो आपको प्रॉब्लम, आपका एसी वर्मा का ही प्रॉब्लम है, इससे पहले भी एसी वर्मा का प्रॉब्लम था आपका, ठीक ना? तो उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है, जो अच्छे लगेंगे मुझे, वो मैं आपको बनवाऊंगा। बाकी आप बनाइए क्वेश्चन, और नहीं होता है तो कभी हम लोग डाउट क्लास रखेंगे, तो उसमें आप उसको पूछ सकते हैं, एसी वर्मा का, है ना? प्रकाश मतलब V2, V2 कहाँ से आ गया? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बताना है आपको। क्या बोल रहा है अभी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आपका ये मूव कर रहा था, ठीक ना? ये यहां से जब स्टार्ट किया, टी इज इक्वल टू 0 पे इसने स्टार्ट किया है, तो इसका जो आपका स्पीड था कितना था? V1 था, और ये एक्सेलरेट कर रहा है ए। और टी टाइम के बाद जो आपका है, ये यहां पहुंच गया, मान लो यहां पहुंच गया, इस वक्त स्पीड कितना था? V2 था, और टाइम कितना लगे इसको? यहां पे टी लग गया। आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी बतलाना है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक ना? तो ये क्या हो गया, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। तो आपका जो हो गया भी एवरेज, जो आपका हो गया कितना हो गया? एस बाय टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट एस है, और टाइम कितना लगा इसको? यहाँ पे टी टाइम लग गया, ठीक ना? ये आपका हो गया। तो देखो जो है आपका, हमको एस निकालना है, तो हम लोग एस कैसे लिखेंगे? देखो बताओ, तो एस इक्वल टू क्या फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा? हमको ए नहीं पता है, बस लिखा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखना लिखा है मुझे यहाँ पे, है ना? लेकिन हम लोग एस इक्वल टू क्या हो सकता है मेरे पास? देखो तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, या फिर और क्या यूज कर सकते हैं बताओ? हमको V1 पता है, V2 पता है, बस इतना ही पता है मुझे, और टी टाइम मुझे पता है, ए नहीं पता है, एस नहीं पता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं, देखो यू इज भी इज इक्वल टू, मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है? भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपका हो गया V2 इक्वल टू V1 प्लस ए और टी। तो यहाँ से ए देखो निकल गया मुझे, यहाँ पे कितना निकल गया? V2 माइनस V1 में कितना हो गया? टी हो गया, ये मेरा ए आ गया, है ना? तो जब ए आ गया, तो मेरे पास फॉर्मूला एक और है, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या आपका है? 2AS है ना? यहाँ से एस कितना हो जाएगा मेरे पास? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2A, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर और 2, और ए का वैल्यू कितना आपका हो गया? देखो ये हो गया V2 माइनस V1 बाय टी। तो देखो ये एस आ रहा है ना? एस। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, देखो क्या लिख सकते हो, देखो एस को V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर है, उसको वैसा लिख दो, V2 माइनस V1, और क्या हो गया? V2 प्लस V1 हो सकता है? A माइनस B स्क्वायर इतना होता है, सबको पता है फॉर्मूला,
और नीचे टी है वो पलट के ऊपर चला जाएगा और हो गया टू, और हो ये वी टू माइनस वी वन हो गया आपका। देखो ये कट गया आपका, तो एस मेरा कितना आ गया देखो बताओ, वी टू प्लस वी वन इंटू टी और बाय क्या हो गया टू हो गया आपका, ये मेरा एस आ गया टोटल आ गया। तो जब एस आ गया तो आप यहां पर रख दो, तो देखो v2 प्लस v1 ये t और ये आपका t कट जाएगा तो कितना हो गया v1 प्लस v2 बाय 2 हो गया, ये मेरा हो गया एवरेज वेलोसिटी, सेम फॉर्मूला आपका आया v1 प्लस v2 बाय 2 आपका आ गया। ठीक है, कुछ पूछना है? चलो तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो हम लोग एससी वर्मा के प्रॉब्लम्स इसी तरह से करेंगे हम लोग, और एससी वर्मा प्लस अरिहंत के जो बुक्स हैं उसको हम लोग फॉलो करेंगे प्रॉब्लम बनाने के लिए। आप भी अपने पास रख लीजिए बुक्स, है ना, तो फायदेमंद होगा और हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा है और आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जा रहा है। तो बाकी लोग भी आप कनेक्ट कीजिए इसमें लाइव क्लास में, और लोग जुड़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। तो कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 2D मोशन, है ना, 2D मोशन लोग पढ़ेंगे। हम लोग ये देखेंगे ये सारा क्या था आपका, वन डायमेंशनल मोशन था आपका, जिसमें पार्टिकल या बॉडी सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या आपका है मूव कर रहा है, ठीक ना। हम लोग कल बात करेंगे 2D मोशन की बात करेंगे, जिसमें कि बॉडी दो तरफ मूव करेगा, चाहे एक्स वाई, वाई जेड या फिर जेड एक्स आपका होगा, तो उसके प्रॉब्लम हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे हम वो देखेंगे। और वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा किसके लिए, 3D के लिए भी यूज होगा, 3D के लिए भी यूज होगा, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जब आपका असेसन क्या है कॉन्सेप्ट नहीं है, तब हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम उसकी बात करेंगे। ओके ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर में। Thank you. Good night.